नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जय। आप सभी को आपके प्यारे दोस्त मस्त खान का बहुत बहुत प्यार। एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मस्ता कंप्यूटर चैनल पे। दोस्तों, आज हम 15 जून 2019 सीपीसीटी का जो क्वेश्चन पेपर अभी जो लगाए गए हैं उसकी सीरीज टू, सिर्फ टू के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में जो कठिन क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन जो आए हैं इसके कंप्यूटर के, वो सारे क्वेश्चन हम आज लगाएंगे। कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को हम पुटअप करें, उनके आंसर लगाएं, ताकि हम आने वाले अगले एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकें। और जो लोग पास हुए हैं उनको लिए बधाई, और जो लोग नहीं रह पाए हैं उनके गुड लक, ताकि वो आगे तैयारी करके निकल सकें। और दोस्तों, इसमें हम सीरीज़ में पहले हमने लगाई थी शिफ्ट वन सीरीज़, इसमें बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगाए और लेकिन हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिले, लेकिन कोई भी कठिन क्वेश्चन मुझे नहीं लगा उसमें। कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मुझे नॉर्मल लगे। तो इसके शुरू करते हैं, बात ना करते हुए सिर्फ टू के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, इंटरप्ट चेक डिजिटल का उपयोग करके बार कोड को सामान्य करता है और इसे टेक्स्ट में बदलता है। प्रश्न है, डैश यानी कि क्या है ऐसा जो एनालॉग सिग्नल को इंटरप्ट करता है, चेक डिजिट का उपयोग करके बार कोड को सामान्य कर बार कोड को मान्य करता है और उसे टेक्स्ट में बदल दिखाता है, बदल कर देता है। तो किसी भी बार कोड को जो बदलने की क्रिया जो होती है, किसी भी कोडिंग को दूसरे कोड में चेंज करने की क्रिया जो होती है, उसको हम डीकोड के नाम से जानते हैं, उसे हम डीकोड कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर बिना सोचे समझे आप डीकोड ही लगाइए। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि डीकोडिंग और कोडिंग क्या होती है। तो डीकोड मतलब किसी भी बार कोड बनाना कोडिंग करना होता है, बार कोड से टेक्स्ट को बनाना और डीकोडिंग करना होता है। तो इसका आंसर डीकोडिंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा दर्शाने की सबसे छोटी यूनिट निम्न में से कौन सी होती है। तो डाटा दर्शाने के लिए कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है बाइनरी डिजिट यानी कि बिट होती है, जिसे हम बिट के नाम से जानते हैं। 01 बिट सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की होती है। अगला प्रश्न है, सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाने वाली तेज मेमोरी, तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। ये तीनों ही चारों क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में दिए थे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही मिल गए। ASCII कोड कितने वर्ड प्रदान करता है, ये भी मैंने दिया था। 128 वर्ड जो होते हैं वो ASCII कोड के अंदर यूज किए जाते हैं। इसका आंसर है 128। यदि ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाया जाए तो कौन सा विंडोज सक्षम आता है। ध्यान रखना, जब हम ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाते हैं तो हमेशा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, लेकिन विंडोज 7 और जो विंडोज़ XP 7 8 वगैरह में आजकल टास्क मैनेजर नाम का एक विंडो खुल जाती है, जिसे हम ये विंडो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट से प्रेस करके मंगाते हैं। तो इसका आंसर है टास्क मैनेजर। इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए, माइक्रोप्रोसेसर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, रैम हार्डवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाएंगे, थोड़ा फास्ट लगाते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना बने। भाई, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है ना, थोड़ा फास्ट लगाते हैं। सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। बार कोड क्वेश्चन है, बार कोड रीडर वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संकरण के डाटा के बार कोड को रीड करता है, पढ़ता है ना। बार कोड क्या करता है, डाटा को पढ़ता है। तो इसका आंसर है पढ़ने का काम, रीड करने का काम। कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार पृथक युग्मन के माध्यम से होता है, इससे यह होगा। एक कार्ड जो होता है मेमोरी कार्ड, एक मेमोरी कार्ड और एक मेमोरी कार्ड रीडर जो होता है, इसके बीच हम जब डाटा लगा के कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, हमारा डाटा सेफली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका मतलब है सुरक्षा, है ना, इसका मतलब है सुरक्षा। हालांकि विश्वसनीयता दक्षता ये भी ठीक है इसके आंसर, लेकिन सुरक्षा में सब आ गया, विश्वसनीयता इसी के अंदर आ गया, विश्वसनीयता है ना।
तो कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार प्रत्यक्ष युग्मक के माध्यम से होता है। इससे यह होगा कि हमारी इस कार्ड की सुरक्षा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, विश्वसनीयता सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाएंगी। सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, ये इसका पोर्टेबिलिटी भी सही है, ये चारों ऑप्शन सही हैं इसके, लेकिन यहाँ जो प्राथमिकता दी जाएगी सुरक्षा को, क्योंकि सुरक्षा के अंदर विश्वसनीयता, स्पीड करना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, है ना। इसलिए डिजिटल कैमरा में एक लेंस होता है, डेस लेंस, कौन सा लेंस होता है बताना है आपको। इसमें इमेज पिकअप डिवाइस पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए परिवर्तनशील डायफ्राम होता है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, है ना। डिजिटल इमेज कैमरा में डैश एक लेंस होता है, कैसा कौन सा लेंस होता है, ऑप्टिकल। इसमें इमेज पिकअप डिवाइस पर प्रकाश केंद्रित करके, प्रकाश भी डाला जाता है हमेशा उसमें, केंद्रित करके या करने के लिए परिवर्तनशील डायफ्राम बनाता है, बना होता है या होता है। तो हम याद रखना वह लेंस का नाम क्या है, उसका नाम है ऑप्टिकल प्रणाली युक्त, ऑप्टिकल सिस्टम युक्त, ऑप्टिकल सिस्टम लेंस, ठीक है। आईपी कैमरा और वेब कैमरा क्या है, आईपी कैमरा और वेब कैमरा दोनों अलग अलग होते हैं। वेब कैमरा अलग होता है जो अपन वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए, और आईपी कैमरा जो आप सिक्योरिटी जो लगाते हैं वेब कैमरा सिक्योरिटी के लिए वो होते हैं, वो वेब कैमरा नहीं होते, ध्यान रखना। वेब कैमरा आप जो लैपटॉप वगैरह बात करते हैं ना वीडियो कॉलिंग करके, वो वेब कैमरा होता है, और आईपी कैमरे वो होते हैं जो आप सिक्योरिटी वगैरह में, बैंक में, एटीएम वगैरह में लगे रहते हैं ऊपर, जो आपको दिखता है कि कौन बंदा आ रहा है कौन जा रहा है, वो देखने के लिए वो आईपी कैमरे यूज़ किए जाते हैं। याद रखना आईपी कैमरे और वेब कैमरे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में पृष्ठ विराम का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कि इसमें जो बिंदु दी जाती है वो क्यों दिया जाता है, सम्मिलित बिंदु पर एक नया पृष्ठ डालने के लिए पृष्ठ विराम का यूज किया जाता है। इसका इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश में, इन एमएस वर्ड पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का यूज करते हैं, पेज ब्रेक करने से हमारा पेज ब्रेक हो जाता है, एक नया पेज एड हो जाता है, जहाँ कर्जर होगा वहाँ से नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। फॉर्मेट सेल संवाद बॉक्स के प्रयुक्त हेतु, ये क्वेश्चन शिफ्ट वन में भी आया था, शिफ्ट टू में भी आया है कि फॉर्मेट सेल के लिए कौन सी की दबाते हैं। तो फॉर्मेट सेल के लिए कंट्रोल प्लस वन, ये इंपॉर्टेंट की है याद रखना, कंट्रोल प्लस वन की प्रेस की जाती है। एमएस वर्ड में डैश एक पूर्व निर्मित सजावटी पार्ट है, जिसे हम एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड में डैश, यानी कि डैश मतलब क्या पूछा गया है, एक पूर्ण निर्मित सजावटी पार्ट है जिसे आप डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं। तो क्लिप आर्ट ये भी होता है, स्मार्ट आर्ट ये भी, चार्ट भी होता है, वर्ल्ड आर्ट भी होता है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो है सही हैं, कोई गलत नहीं है। तो पर एमएस वर्ड में एक पूर्ण निर्मित सजावटी पार्ट पार्ट पूछा गया है, तो पार्ट के लिए ध्यान रखना, हिंदी पढ़ोगे पार्ट, पार्ट मतलब यहाँ पर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट जो होता है वो क्लिप आर्ट नहीं होता, स्मार्ट आर्ट नहीं होता, चार्ट नहीं होता, वो वर्ल्ड आर्ट होता है। एक्चुअली आप हिंदी ना पढ़ें, इंग्लिश को भी पढ़ लें एक बार। इन एमएस वर्ड इज ए प्री डिफाइंड डेकोरेटेड टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही है, तो टेक्स्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे वर्ड आर्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का कौन सा फीचर्स आपको छोटा चार्ट बनाने की अनुमति देता है, इसे आप एक एक्सेल में सम्मिलित कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल 2016 के अंदर स्पार्क लाइन के नाम से एक ऑप्शन दिया जाता है, जो कि चार्ट को छोटे रूप में यूज़ करने की हमारी हेल्प करता है, स्पार्क लाइन के नाम से होता है। एक ही समय में किसी दिए गए कार्य के भीतर यथोचित रूप से एक से अधिक संचालन करने की कंप्यूटर क्षमता है, एक ही समय में, यानी कि मल्टी यूज़र का काम जो हो रहा है, एक ही समय में किसी दिए गए कार्य के भीतर यथोचित रूप से अधिक संचालन करने की प्रक्रिया, एक सीपीयू बहुत सारे काम कर रहा है, मल्टी यूज़र है ना, मल्टी प्रोसेसिंग, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, इसमें नहीं दिया, तो ध्यान रखना, पढ़िए इंग्लिश, इज ए कंप्यूटर्स एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन विथ इन ए गिवन टास्क एट सिमिलरली द सेम टाइम।
एक ही समय पर बहुत सारे काम करने के लिए सिंपली जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, है ना, एक ही समय में किसी दिए गए कार्य के भीतर यथोचित रूप से एक से अधिक संचालन करने की कंप्यूटर क्षमता जो होती है, टाइम शेयरिंग, है ना, मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं बताया था, तो उसको हम टाइम शेयरिंग या मल्टी थ्रेडिंग के नाम से जानते हैं। हालांकि मल्टीटास्किंग भी आंसर सही है इसका, पर यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, वो मल्टी शेयरिंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी थ्रेडिंग के नाम से होती है, तो वो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग लगाया गया है। और लोगों ने यहाँ पर मोस्टली मैं बताया मल्टी टास्किंग लोगों ने किया होगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, तो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर मल्टी टास्किंग है। इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो सबको पता है अर्पानेट विश्व का पहला नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की संख्या, जोड़ने की अवस्था या व्यवस्था या तरीका, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर की व्यवस्था मतलब कंप्यूटर टोपोलॉजी कहलाता है। रिमोट कंप्यूटर से जुड़ने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रिमोट कंप्यूटर जुड़ना होता है तो उसके लिए टेलनेट या रिमोट लॉगिन के नाम से होता है। यहाँ पर नहीं दिया ऑप्शन, ना टेलनेट दिया ना रिमोट लॉगिन दिया है। तो उपकरण संपर्क, डिवाइस कनेक्शन, तो ज़रूरी नहीं है रिमोट लॉगिन हो। लॉजिक पाथ, तार्किक पथ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिवाइस रिमोट लॉगिन हो। और रिमोट मेथड, ये दूरस्थ विधि है, ये कोई तरीका नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है जिससे अपन जुड़ते हैं। तरीका सिर्फ डायलअप कनेक्शन है। इस चारों में कनेक्शन का प्रकार सिर्फ एक ही है, डायलअप, और कनेक्शन है ही नहीं है। तो डायलअप कनेक्शन, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कनेक्शन है जो कि रिमोट कंप्यूटर जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर डायलअप कनेक्शन इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। निम्न डैश सिस्टम के बाहर एक कनेक्टिंग सॉकेट है, कौन सॉकेट? कोई पता नहीं क्या नाम पूछा गया है कि डैश, पता नहीं क्या चाहिए, है ना। तो डैश सिस्टम के बाहर एक कनेक्टिंग सॉकेट है जिसे विभिन्न प्रकार के केबल अनप्लग किए जाते हैं। तो सिस्टम के बाहर क्या चीज़ लगी होती है जिसमें अपन केबल लगाते हैं और हटाते हैं, प्लग करते हैं, अनप्लग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, उसे हम पोर्ट कहते हैं। इसमें हम केबल लगाते हैं, हटाते हैं, पोर्ट कहते हैं। तो सही है, पोर्ट सही है इसका आंसर। इसके सिंपल से क्वेश्चन लग रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे तो इसके, जो सिर्फ टू वन में जो क्वेश्चन आए थे उससे भी सिंपल लग रहे हैं सिर्फ टू के क्वेश्चन। चित्र आकार या स्क्रीन रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? पिक्सल्स में नापते हैं। चित्र का जो आकार होता है, जो रेजोल्यूशन होता है, उसको हम पिक्सल में नापते हैं। पिक्सल सही आंसर है इसका। सिफर टेक्स्ट कूटलेखिंग आंकड़ा क्या होता है? ये एक एनकोड किया गया पार्ट है, है ना। सिफर टेक्स्ट कूट लिखित आंकड़ा क्या होता है? कूट लिखित है ना, कूट अंकों को चेंज करना नॉर्मल लैंग्वेज में, और नॉर्मल लैंग्वेज को कूट लैंग्वेज में चेंज करना, समझ रहे हो? दोनों चीज़ें बता रहा हूँ मैं उल्टा सीधा। टेक्स्ट को कूट में चेंज करना और कूट को टेक्स्ट में चेंज करना। तो सिफर टेक्स्ट कूट लिखित आंकड़ा क्या होता है? मतलब कूट लिखित मतलब कूट लिखा हुआ, उसको हम जब नॉर्मल लैंग्वेज बनाते हैं, उसकी कूट लिख को नॉर्मल बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं डिकोड करना। जब कूट लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम डिकोड करना कहते हैं, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज को जब कूट लैंग्वेज में लिखा जाए, कूट अंक आंकड़े बनाए जाए, तो कूट आंकड़े को एनकोड कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका एनकोड जिस क्वेश्चन में आंसर होगा, जिस ऑप्शन में एनकोड, एनकोड देखिए जरा, एनकोड जरा, इनक्रिप्टेड कोड या एनकोड की बात है, तो सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड कोड सही आंसर है इसका। इनक्रिप्ट बोला जाता है जब नॉर्मल कोड को इनकोडिंग की जाती है, तो अपन इनक्रिप्ट कोड कहते हैं, और इनक्रिप्ट को नॉर्मल बनाया जाता है, डिकोड करना कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन पेपर में शायद 67 में क्वेश्चन आया था, डिकोड करने वाला क्वेश्चन। तो सिर्फ टेक्स्ट इनक्रिप्टेड पार्ट है जिसका सही आंसर है। सिफर टेक्स्ट कूट लिखित आंकड़ा है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्लेम, दो यहाँ देखते हैं अपन, रियल टाइम, प्लेम, वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, विंडोज़ है, रियल टाइम है,
बच्चे आपके दो ऑप्शन, तो वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब मतलब सर्वर पर आधारित, कौन सा होता है, कोई सा नहीं होता। तो इसका आंसर है वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं है उसका। जब आंतरिक उपयोगकर्ताओं को जो दिखाई देता है वो विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहार से विचलन होता है। जब आंतरिक उपयोगकर्ताओं को जो दिखाई देता है वह विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहार से विचलित होता है तो इसे क्या कहा जाता है, पढ़ते हैं इंग्लिश में। व्हेन व्हाट इज विजिबल टू एंड यूजर को दिख रहा है इस डिवाइशन फ्रॉम द स्पेसिफिक और एक्सेप्टेड बिहेवियर दिस कॉल्ड। जब अंतिम उपयोगकर्ता को मतलब एंड यूजर को जो दिखाई देता है वह विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहार से विचलन होता है, मतलब वो अपेक्षित व्यवहार कर नहीं पा रहा, जो चाह रहे वो काम कर नहीं पा रहा, तो उसे क्या कहते हैं। एंड यूजर है, उसको दिखाई दिया और चाह रहा वो काम हो नहीं पा रहा, तो उसको क्या कहते हैं, उस स्टेट को क्या कहते हैं अपन, विफल होना, फेल होना, फेलियर या विफल, फेलियर कहते हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एरर भी कह सकते हैं, पर फेलियर फेल हो गया, काम हो नहीं रहा, प्रोसेस ही नहीं हो रही। एरर तब जब एग्जीक्यूट होगा, कोई काम होगा तब एरर आएगी ना, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, फेल ही हो गया प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र को कंप्यूटर पर काम करते समय वॉम्स एरर का सामना करना पड़ता है। तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ वॉम्स का यूज करना पड़ता है, वॉम्स का सामना करना पड़ता है, वह मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ जो एरर आती है उस एरर को वॉम्स के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को कंप्यूटर पर काम करते समय वॉम्स एरर का सामना करना पड़ता है वह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें वॉम्स का सामना करना पड़ता है। अनुकूलित उपयोगकर्ता खाता का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, अनुकूलित उपयोगकर्ता खाता का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, अनुकूलित का मतलब बोलते हैं अपन इंग्लिश में, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ कस्टमाइज्ड यूजर अकाउंट। तो कस्टमाइज यूजर अकाउंट, अनुकूलित मतलब कस्टमाइज यूजर अकाउंट, कस्टमाइज यूजर खाता, यूजर अकाउंट का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कस्टमाइज को जो काम करते हैं उसको अपन फाइलों के गोपनीयता था, ठीक है, इंग्लिश पढ़िए, कस्टमाइज प्राइवेसी सिक्योरिटी दे सकते हैं अपन, शेयर एक्सेस फाइल, शेयर नहीं कर सकता वो फाइल, वो शेयर नहीं कर सकता, ये गलत है, कस्टमाइज यूजर कभी फाइलों को शेयर नहीं कर सकता, तो ये इसका आंसर है, शेयर कर सकता है गलत, तो शेयर नहीं कर सकता है ना, तो नॉट बोलता शेयर कर सकता है, शेयर नहीं कर सकता ना, तो हाँ सही है इसका आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन अब मेरे लग रहा है कि शिफ्ट वन से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इस पेपर में है, शिफ्ट वन की अपेक्षा, जिनका शिफ्ट टू पेपर होगा वो लोग ज़्यादातर मेरे ख्याल से बेचारे फेल हुए होंगे। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है, सब डायरेक्टरी, सब जानते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर, सब फोल्डर, इनमें से कौन सा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक्स का एक एक्सटेंशन है, इनमें से कौन सा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक्स का एक एक्सटेंशन है। तो मल्टीपल ग्राफिक्स नेटवर्क का एक्सटेंशन .mng, याद कर लीजिए ना इसको, .mng होता है। कौन सा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक्स का एक एक्सटेंशन है, .mng है। HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, वो है वेब ब्राउज़र, HTML पेज खोलने के लिए, चलाने के लिए। अगर आपने फेसबुक पर किसी फ़ोटो को शेयर किया तो आपने उस फोटो को डैश क्या किया, अपलोड किया, तो शेयर होता है, तो हमने अपलोड किया। अपने कंप्यूटर से नेट पर कुछ चीज़ डालना अपलोडिंग कहलाता है, ध्यान रखना, तो हमने अपलोड किया। नेट से अपने कंप्यूटर पर लेना डाउनलोडिंग कहलाता है, सब जानते हैं, तो अपलोडिंग किया। पूर्ण डुप्लेक्स मॉडेम में, फुल डुप्लेक्स मॉडेम में डैश भाग होते हैं, कितने भाग होंगे फुल डुप्लेक्स में, दो होंगे, दो भाग आने जाने के लिए अलग अलग, दो भाग होते हैं। वाहक का मतलब ये कैरियर्स, ठीक। जल्दी पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को कहाँ स्टोर करना सुविधाजनक है।
तो जल्दी पूर्ण प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को कहाँ स्टोर करना सुविधाजनक है? तो कहाँ है सुविधाजनक, इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन, इंग्लिश में एक बार। द कॉन्वीनियंट प्लेस टू शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रैवल इज, जल्दी पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को कहाँ स्टोर करना सुविधाजनक है? यदि कोई आपको डाटा प्राप्त करना है जल्दी जल्दी, तो किस जगह पे डाटा को सेव किया जाए, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो वो आउटलुक वगैरह में, उसे अपन एड्रेस बुक कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर भी जब मेल बॉक्स का यूज़ किया जाता है, तो आपको यदि अपने जो रिसिपिएंट है उनका लिस्ट प्राप्त करनी है जल्दी से, तो उसके लिए अपन एक डाटाबेस में टेबल बना लेते हैं, डाटाबेस टेबल, उसको सेव कर लेते हैं। तो उसको भी अपन एड्रेस बुक के नाम से जानते हैं, उसे भी अपन एड्रेस बुक कहते हैं। तो डाटा जल्दी प्राप्त करने के लिए डाटा कहाँ सेव किया जाता है? एड्रेस बुक के अंदर सेव किया जाता है, मैसेज बॉक्स में नहीं, एड्रेस बुक में नहीं, और क्विक वगैरह में नहीं, एड्रेस बुक। एड्रेस बुक जो होता है, इसका आंसर एकदम सही आंसर है। ये आउटलुक से क्वेश्चन पूछा गया है, आउटलुक में से। तो वहाँ एड्रेस बुक बनाई जाती हैं, जहाँ से हम डाटा को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि मोबाइल में ग्रुप बनाए जाते हैं डाटा जल्दी से सेंड करने के लिए या प्राप्त करने के लिए। जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को डैश करता है, तो वह इसका रूप बदलता है, क्या करता है? एडिट करता है तो रूप बदल जाएगा क्या? नहीं। क्रिएट करेगा तो नहीं, सेव करेगा तो नहीं, फॉर्मेट करेगा तो उसका रूप बदल जाएगा। तो इसका आंसर है फॉर्मेट करना, जिसका आंसर फॉर्मेट। जब आप किसी वर्ड दस्तावेज में एमएस एक्सेल से डाटा को कॉपी या पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है? वर्ड में एक्सेल से कॉपी करेंगे तो क्या होगा? वर्ड संपादन सुविधाओं का उपयोग करके आप डाटा को संपादित करने में सक्षम हो जाते हैं। वर्ड में मैटर आ जाएगा और डाटा एडिट कर सकते हैं अपन। तो इसका आंसर सही यही है कि अपन एक्सेल से डाटा कॉपी करेंगे, वर्ड में लाएंगे तो ला करके डाटा एडिट करने योग्य हो जाएगा, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं अपन। वर्ड संपादन सुविधा का उपयोग करके आप डाटा को संपादित करने में सक्षम होंगे, वहाँ पर डाटा आ जाएगा और एडिटिंग कर सकते हैं, बाकायदा काम कर सकते हैं। जो OLE का सिद्धांत होता है, जब टैब का उपयोग किस टैब का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्रो बनाया जाता है, वो व्यू टैब जो होता है, व्यू टैब में मैक्रो नाम का ऑप्शन मिलता है। व्यू टैब में डैश का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में विभिन्न किसी भी विशिष्ट स्थान पर जल्दी से जाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किसी दस्तावेज में किसी भी विशिष्ट स्थान पर जल्दी से जाने के लिए? बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। सब जानते हैं इसका आंसर, एमएस वर्ड के अंदर बुकमार्क होता है, जल्दी से किसी स्थान पर पहुंचने के लिए यूज किया जाता है। या गोटू नाम का ऑप्शन, गोटू याद या नहीं है तो बुकमार्क नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। एमएस वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएँ और बाएँ के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जन होता है। एमएस वर्ड में छपाई करते हैं तो एक सामान्य डॉक्यूमेंट के दाएं और बाएं के लिए संकीर्ण विकल्प का मतलब क्या होता है? जरा देखते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। नैरो, नैरो ऑप्शन मतलब, ठीक है, नैरो मतलब पास। तो इसके लिए नैरो का अपन यूज करेंगे, संकीर्ण विकल्प छपाई करते सामान्य पृष्ठ के दाएं और बाएं के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते हैं तो पृष्ठ का मार्जिन कितना होता है? तो नैरो का मार्जिन कितना होता है? नैरो का मार्जिन 0.5 आला है सेंटीमीटर, है ना, 0.5 सेंटीमीटर होता है, सही आंसर है। जब आप एमएस वर्ड में जाएंगे, फाइल खोलेंगे, पी शटअप में जाएंगे और वहाँ मार्जिन में जाकर नैरो कर देंगे, तो आपका जो मार्जिन है किताब पेज का 0.5% हो जाएगा। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का रिवर्स हाइपरबोलिक को सेट देता है? इंग्लिश पढ़ते हैं, पिच फंक्शन रिटर्न द इनवर्स हाइपरबोलिक कॉन्सिस्ट ऑफ द नंबर इन द एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो किसी भी संख्या का हाइपरबोलिक कॉन्सिस देता है? तो इसके लिए है ACOS, ACOS फंक्शन। लोग यहाँ पर हाइबर ये लगा के आ जाएंगे, है ना, तो ACOS लगा आ सकते हैं, ये है ACOS फंक्शन। थोड़े से कुछ क्वेश्चन टफ है इसमें, जो कि पिछले की अपेक्षा
है ना, लेकिन ये इतना टफ नहीं है कि बच्चे पास ना हों एमएस पावर पॉइंट में। ध्वनि कम करने के लिए कौन सी की दवाई जाती है, दुनिया जानती है, जिन्होंने पावर पॉइंट चलाया होगा उन्हें पता होगा एमएस एक्सेल पावर पॉइंट में जब साउंड कम करना है तो उसके लिए ऑल्ट प्लस डाउन की दबाते हैं तो आपकी साउंड जो आवाज़ है वो कम हो जाती है। पावर पॉइंट में आखिरी चाइनीज ऑब्जेक्ट के बारे किनारे पर सभी ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए कौन सी की दबाते हैं। अगर एमएस पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं आप तो आखिरी चाइनीज ऑब्जेक्ट जो है आपका उसके बाएं कोने पर सभी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए रेखांकित करने के लिए हम ऑल्ट प्लस वन दबाते हैं, हमारा पूरा डाटा बाएं तरफ पहुंच जाएगा। पावर पॉइंट में जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल में उपलब्ध नहीं होता, बाएं पैनल मतलब होता है लेफ्ट साइड में, तो कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता। तो जब आप पावर पॉइंट में फाइल खोलेंगे तो उस समय ये आपके व्यू होते हैं लेकिन नोट्स नाम का नहीं होता, ये व्यू तो होते हैं आपके सारे व्यू होते हैं लेकिन नोट व्यू ये नहीं होता है, सही है। एमएस पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के शीर्ष किनारे के साथ संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। एमएस पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के शीर्ष किनारे के साथ संरेखित करने के लिए कौन सी की दवा जाती है। अगर आपको अंतिम जो आप एमएस पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं आपने कोई ऑब्जेक्ट चुन लिया है और चुनने के बाद उसके शीर्ष किनारे पर डाटा संरेखित करना है तो उसके लिए ऑल्ट F1 प्रेस किया जाता है, ऑल्ट F1। चयन डाटा स्रोत डायलॉग बॉक्स में अपूर्व लेजेंड यानी अपूर्व लेजेंड अपूर्व प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग सही है। डाटा चुन लिया आपने और चुनने के बाद चयन डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स में से अपूर्व प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए कौन सा बैकअप सही है, तो चार्ट का चयन करें, डाटा का चयन करें, डाटा सोर्स का चयन करें और अपूर्व प्रविष्टि पर जाएं, यानी कि ये चार्ट सेलेक्ट चार्ट सेलेक्ट डाटा सोर्स और लेजेंड एंट्री, लेजेंड मतलब होता है अपूर्व, तो ये आपको चार्ट पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डाटा सोर्स ही मिलेगा आपको, ये ना सेलेक्ट डाटा सोर्स में मिलेगा, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं एमएस एक्सेल में चार्ट में 36 अक्षरेखा के परिणाम में परिवर्तन के संबंध में सही है। तो आपने 36 जो रेखा मंगाई है मतलब आपने बार चार्ट या कॉलम चार्ट जो भी मंगाया है उस चार्ट में कुछ क्रम चेंज करना है, परिवर्तन के बारे में कुछ परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे, चार्ट पर क्लिक करेंगे, डाटा चार्ट के उपकरण यूनिट्स पढ़ते हैं, चार्ट पर क्लिक करेंगे, चार्ट के टूल्स पर जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, करंट सिलेक्शन ग्रुप में जाएंगे और सिलेक्शन में जाकर हर चेंज कर लेंगे। तो चार्ट चुनने के बाद चार्ट टूल में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद फॉर्मेट करंट सिलेक्शन ऑप्शन मिलता है, करंट सिलेक्शन ग्रुप ये सब बोलते हैं यहाँ पे, करंट सिलेक्शन मिलता है वहाँ फॉर्मेट सेक्शन मिलेगा वहाँ से हम फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, ये सब तीनों गलत हैं, ये भी गलत है, सही है एकदम करेक्ट ऑप्शन है ये, देख लीजिए फिर से, चार्ट पर क्लिक करें, चार्ट टूल पर जाएं, फॉर्मेट में जाएं, करंट सिलेक्शन पर जाएं और फॉर्मेट करें वहाँ से। एमएस एक्सेल में बाजार के बहुविध वर्गों में उत्पन्न के वितरण एवं केंद्रीकरण से संबंध में उपभोक्ता के व्यय की विधि की तुलना के लिए डैश प्रकार का चार्ट उपयुक्त होता है। एमएस एक्सेल में बाज़ार के बहुविध वर्गों में उत्पाद के आपको वो उत्पाद दिखाने बाज़ार के उसके बारे में बताना है तो वर्गों के उत्पाद के वितरण एवं केंद्रीकरण के संबंध में उपभोक्ता के व्यवसाय व्यय की विधि की तुलना के लिए एक चार्ट बनाना है तो उसके लिए कॉलम चार्ट अपन बना सकते हैं, कॉलम चार्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है तो लाइन चार्ट और राडार चार्ट अपन यूज करेंगे, राडार चार्ट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रडार चार्ट होगा, क्योंकि एमएस एक्सेल में बाज़ार के बहुविध वर्गों में उत्पाद के वितरण एवं केंद्रीकरण के संबंध में उपभोक्ता के व्यय की विधि की तुलना के लिए हम चार्ट कॉलम चार्ट भी यूज कर सकते हैं। तो कॉलम चार्ट यहाँ दिया नहीं है, तो रडार चार्ट हम यूज करेंगे। एक्सेल में निम्नलिखित में से किसके तहत पाई चार्ट, एक बार दोस्तों और मैं बता दूं आपको, ये चार्ट के बारे में जो क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन चार्ट के बारे में आए हैं, और मोस्टली स्टूडेंट चार्ट की प्रैक्टिस नहीं करते, चार्ट को पढ़ते ही नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आप कहें तो मैं आपको अगली वीडियो में चार्ट के बारे में बताऊँगा, चार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन सा चार्ट किस लिए यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता दूँगा, है ना। और नहीं कहेंगे तब भी डालूंगा, थोड़ा लेट डाल दूंगा, पर आप कहेंगे तो जो जल्दी कर दूंगा, तो चार्ट क्लियर हो जाएगा। चार्ट को भी पढ़ा करें आप लोग, चार्ट के क्वेश्चन काफ़ी पेपर में आते हैं, पढ़ते नहीं हैं लोग, और शॉर्टकट की याद कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमको पूरा एमएस ऑफिस आ गया, तो शॉर्टकट की से ही कुछ नहीं होता, शॉर्टकट की और प्रैक्टिकली नॉलेज दोनों ही ज़रूरी हैं। तो एमएस एक्सेल में निम्न में से किसके तहत पाई चार्ट की सिफारिश नहीं की जा सकती। पाई चार्ट का यूज़ हम डाटा को दिखाने के लिए करते हैं एवरेज के अनुसार, तो किसका यूज़ नहीं कर सकते अपन, आपके द्वारा आलेख किए जा रहे मूल्यों में कोई भी नकारात्मक वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम दिखा सकते हैं पाई चार्ट में। तो आपके द्वारा आलेख किए समूहों के में लगभग किसी भी वैल्यू शून्य नहीं है, तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। आपके पास सात से अधिक वर्ग विद्यमान नहीं है, इसमें ही कर सकते हैं। आपके पास आलेख है तो हेतु डाटा की बहुत ही बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है, बड़ी संख्या हमारे पास और अवेलेबल है, कई सारे कॉलम और एक ही रेंज है डाटा, जैसे कि हमने बनाया सैलरी को दिखाना है हमको एक चार्ट के रूप में, तो हम पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो या कैसी भी हो बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन हमको सैलरी टैक्स TA DA बहुत सारी चीज़ें दिखानी है एक साथ। आपके पास आले के सहेदू डाटा की बहुत श्रृंखला है, बहुत सारी सीरीज़ है, तो हम पाई चार्ट में केवल एक ही सीरीज़ को दिखा सकते हैं, एक से अधिक सीरीज़ को नहीं दिखा सकते, तो ये यहाँ पर सिफारिश नहीं करता है, तो ये है इसके नहीं करता सिफारिश। आपके पास आलेखित हेतु डाटा की बहुविधि श्रृंखला उपलब्ध है ना। सेल A1 ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था एरर क्वेश्चन एक जरूर पेपर में आता है। ये देखिए A1 B1 C1 D1 E1 यानी कि ऊपर की लाइन जो है रो, उसमें 3 5 कैट मैट मैटर है, और सेल 2 B2 C2 3 2 E2 में D2 और E2 में ABCDEFE है। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन वी लुकअप और एच लुकअप, वी लुकअप फंक्शन होते हैं जो वैल्यू को एंटर करते हैं, एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप 4 A1 से A2 20 का आउटपुट क्या होगा, तो इसका लोगों ने तुक्का ही मारा हुआ ज़्यादातर लोगों ने, तो मैं बताऊँगा आपको इसका आंसर क्या होगा। देखिए समझिए, एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल डाटा फाइंड करेगा, 4 मतलब ये होता है उस सेल का एड्रेस जिसको वो चेक करेगा, 4 मतलब जिस सेल को वो चेक करेगा वो, तो यहाँ उन्होंने 4 लिख दिया है, सेल का एड्रेस दिया ही नहीं है, तो यहाँ जाहिर सी बात है एरर आएगी, इस वाले फंक्शन में एरर आएगी। अगर मान लो होता अभी तो 4 यहाँ मिलता, 4 यहाँ मिलता, ठीक है 4 मिल गया, उस सेल का डाटा सेल में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग डाटा आएगा, तो सेल में जो लिखा होगा मतलब 4 लिखा होगा, 4 मिलता है तो A1 से लेकर E2 तक 4 मिलता है तो D2 का मान इंसल्ट हो जाएगा। ये कैसे काम करता है लुकअप, ये जो मिलेगा तो इस रेंज के अंदर एरे है टेबल, इस टेबल में से इस नंबर का डाटा लिख जाएगा, तो 4 इसमें ही नहीं है, 3 5 4 ही नहीं है, 4 मिलेगा या नहीं तो लिख के आएगा नॉट अवेलेबल, क्या एरर आ जाएगी, नॉट अवेलेबल वाली एरर आ जाएगी, तो इसका आंसर आएगा नॉट अवेलेबल। अगर यहाँ 1 होता तो भी नॉट अवेलेबल आता, 2 होता तो भी नॉट अवेलेबल आता, 3 होता तो फिर इसका आंसर 3 वाले का आंसर ए आ जाता,
है ना, तो थ्री है नहीं, तो जिसका आंसर क्या है, नॉट अवेलेबल नॉट आएगा, यानी कि फोर नाम की वैल्यू इसमें है ही नहीं है। ये आंसर सही है इसका। केबल ब्रॉडबैंड डैश प्रचालन करता है, केबल ब्रॉडबैंड किसको चलाता है? क्वेश्चन है द केबल ब्रॉडबैंड ऑपरेट, है ना, तो कौन सी जो केबल है ब्रॉडबैंड में यूज़ की जाती है, तो वो कोएक्सियल केबल आजकल आधुनिक केबल है, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल, तो फाइबर ऑप्टिकल यहाँ दिया ही नहीं है, फाइबर ऑप्टिकल केबल नहीं दिया तो कौन सा दिया है, कोएक्सियल केबल, तो वो यहाँ पर काम करेगा, प्रचलित है। अगर फाइबर ऑप्टिकल होता तो हम उसे टिक कर देते। केबल ब्रॉडबैंड डैश द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, तो ब्रॉडबैंड के द्वारा, ब्रॉडबैंड केबल ब्रॉडबैंड किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो केबल ब्रॉडबैंड जो होता है उसको BSNL या टेलीविज़न प्रदान या भारत सरकार कौन प्रदान करता है, तो ब्रॉडबैंड केबल जो होती है वो केबल टेलीविज़न में लोग ज़्यादातर डिस्क वगैरह में वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ यूज़ की जाती है, वो ऑप्टिकल केबल, वो कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है, वो टेलीविज़न में यूज़ की जाती है टेलीविज़न प्रदाता के द्वारा, ठीक है। तो लोग यहाँ BSNL करके आ गए होंगे, भाई BSNL क्या है, ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रॉडबैंड केबल थोड़ी ना दे रहा है, केबल थोड़ी ना यूज़ कर रहा है वो, है ना, केबल देने का काम टेबल के टेलीविज़न प्रदाता टेलीविज़न प्रोवाइडर। DSL के दो प्रकार निम्नलिखित हैं, DSL जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है असीमित और एक सममित, असममित और सममित, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस DSL, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। DSL कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अगला प्रश्न है अपने कंप्यूटर की दीवार आउटलेट से फोन केबल के पिछले छोर पर स्थित मानक टेलीफोन पोर्ट में प्लग कर इंटरनेट से जुड़ने को क्या कहते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो, बाय प्लगिंग द स्टैंडर्ड टेलीफोन पोर्ट लोकेटेड ऑन द रियर वन एंड ऑफ ए फोन केबल होम द वॉल लोटेड ऑफ योर कंप्यूटर एंड कनेक्टेड टू इंटरनेट, यानी कि आपने कंप्यूटर की जो दीवार आउटलेट से केबल के पीछे छोर पर, केबल के कंप्यूटर के पीछे केबल लगाने की जगह आती है उस छोर में स्थिर मानक टेलीफोन बोर्ड में प्लग कर इंटरनेट से जुड़ने की प्रक्रिया क्या लगती है, उसको हम डायल अप कनेक्शन कहते हैं, जहाँ पर हम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, तो उसे हम डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। ध्यान रखना, ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया आपको तो आप ध्यान रखो, यहाँ टेलीफोन पोर्ट का उपयोग करके कनेक्शन बनाया जा रहा है वो डायल अप कनेक्शन है। आँख बंद करके लगा दो, मत पढ़ो, मत समझो क्वेश्चन को, सीधा पढ़ लो, यहाँ टेलीफोन कनेक्शन दिया हुआ है उससे कनेक्शन बन रहा है तो डायल अप कनेक्शन है। अब मत पढ़ो क्या बोल रहा है, किसके अंदर किसका उपयोग करके क्या आँखों बना, आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, गलत लगा दोगे, ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन होता है। सममित DSL यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सममितिक DSL समान रूप से क्या प्रदान करता है, ये स्पीड को बहुत फास्ट करता है, HDSL जो होता है ना वो स्पीड को बहुत फास्ट करता है, तो तीव्रतर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग गति स्पीड को फास्ट और स्लो करने का काम करता है। कौन सा संरेखण आपके सभी डाटा के बीच में निर्दिष्ट करने में मदद करता है, संरेखण को बोलते हैं विच अलाइनमेंट, संरेखण अलाइनमेंट, तो कौन सा अलाइनमेंट है आपके डाटा को बीच में निर्दिष्ट करता है, सेंटर करता है, बीच में करेगा सेंटर, बीच में अलाइनमेंट जो करेगा वो सेंटर करेगा। तो क्वेश्चन इसके भी हमने 52 क्वेश्चन लगाए, सारे क्वेश्चन लगाए, और इस सीरीज़ के क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से शिफ्ट वन के अकॉर्डिंग थोड़े से कठिन हैं, है ना, तो थोड़े से कठिन क्वेश्चन इसके हैं।
लेकिन इतने कठिन नहीं है कि स्टूडेंट फेल हो जाए करके ना सके। फिर भी मेरा अंदाज़ा है कि 52 में से कम 40 मार्क्स या 40 या 50 के बीच में मार्क्स इसमें से ईजीली स्टूडेंट के आ सकते हैं, है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, पूछें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है, और सारे क्वेश्चन हमने पुट अप किए। और यदि आपको कोई सुधार चाहिए, कोई डेवलपमेंट चाहिए, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियोस में, तो आप बताएं, मेरे हेल्प भी करें, मेरी मदद करें, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट लेकर आपके सामने कुछ पेश कर सकूं और अच्छा कर सकूं, कुछ अच्छा नाल अच्छा और नया ला सकूं आपके सामने, आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों की पेशे खिदमत में आपको ये सब पेश कर सकूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड लक। और हाँ दोस्तों, गुड लक बाद में करेंगे, पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।